कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इंडिया में जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, मतलब पार्ट थ्री जो है ना, पार्ट थ्री में से फंडामेंटल राइट्स मतलब है ना, एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट्स में, इसमें से भी जो आर्टिकल 12 से शुरू हो रहे हैं, आर्टिकल 35 तक जा रहे हैं, उसमें से आपके जो इक्वालिटी के राइट्स हैं है ना, जो कि कायदे से आर्टिकल 14 से शुरू हो रहे हैं और आर्टिकल 18 तक जा रहे हैं, उसमें से आर्टिकल 16 पकड़ रखा हमने और छोड़ ही नहीं रहे है ना, क्योंकि कायदे से आपका रिजर्वेशन का है ना, रिजर्वेशन में भी किस में, जॉब्स में है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। इसमें एक केस आ गया लैंडमार्क, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, इसीलिए उसका बेस पकड़कर हम पूरे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 ही पढ़ रहे हैं, 15 और 16 दोनों कायदे से पढ़ रहे हैं हम, क्यों किस तरीके से अलग है वो, ठीक। चलो इसमें कैसे कर रहे हैं हम लोग, इंदिरा साहनी केस कर दे बताओ, INDIRA इंदिरा सोहनी SAWHNEY ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, आगे 4 अच्छा सुप्रीम कोर्ट है पहले, ओके सुप्रीम कोर्ट 477 ये सारा क्यों पढ़ रहे हम, ताकि हमें ये याद रहे ना रहे, ये सब याद रहे, कायदे पढ़ने का मतलब ये है। इसमें से इस पे क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस के भी सब क्वेश्चंस कह सकते हैं, वो कर रहे हैं, मतलब एक पहला क्वेश्चन देखा था हमने जिसके क्वेश्चन वन था, इसमें कायदे से वर्ड यूज हो रखा है 16 clause 4 में, कौन सा, अच्छा इंसानी इज ऑल अबाउट एससीज एसटीज ओबीसी है ना, तो इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ था प्रोविजन, प्रोविजन वर्ड में किस तरीके से कोर्ट ने बात करी, ये हमने दो पार्ट में देखा था है ना, ए और बी, क्वेश्चन सेकंड में क्या देखा था, बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन होंगी, बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन होगी, यही है श्योर, क्वेश्चन टू में था एक्सेप्शन है कि नहीं है, ठीक है क्वेश्चन टू में था एक्सेप्शन है कि नहीं है, क्या एक्सेप्शन नहीं है, 16 clause 4 जो है वो 16 clause 1 के एक्सेप्शन है कि नहीं है, कितने पार्ट थे इसमें, दो ए बी सी है ना, ए हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का, बी का फर्स्ट का बी भी हो गया, सेकंड का ए बी सी तीनों हो गए, थर्ड में कितने पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई और एफ, इसमें है जो हम क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे थे, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि बैकवर्ड क्लास का क्या मतलब है, क्या कास्ट जो है वो बैकवर्ड क्लास होती है नहीं होती है, और 15 clause 4 16 clause 4 से कैसे अलग है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लास, इन सब का क्या आपस में अलग अलग डिफरेंस कैसे कैसे है वो पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें से कौन कौन से हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी भी हो गया, क्या करना है, डी करना है, ई हो चुका, एफ भी करना है, डी में क्या है पहले वो देखो, डी में कहा जाए मींस, क्या है मींस टेस्ट, मेंस टेस्ट आ गया, तो एम ई है, ई ए एन एस है, मींस टेस्ट मींस मतलब भाई लड़ाई संसाधनों के भाई साहब है ना, ये वही मींस है, मींस टेस्ट एंड
क्रीमी लेयर, ठीक है, ये है। तो इंदिरा साहनी में मींस टेस्ट कि आपको जो प्रॉपर मींस है, संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो नहीं मिल रहे हैं, ये आप कैसे कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसी का तो ग्राउंड बनेगा आपका कि आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप उन संसाधनों का एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो आपको हम छोटी सी पुश दे देते हैं, जब स्टार्टिंग लाइन है वो थोड़ी आपके आगे कर देते हैं, अब तो मिल जाएगा आपको, आपको भागने की आसानी होगी। बात समझ में आ रही है, कॉम्पिटिशन बराबर हो जाएगा कोई कायदे से। ये सब इक्वालिटी जो है, आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी किसकी है, आर्टिकल 14 वाली। आर्टिकल 14 में दो इक्वालिटी है, रूल इक्वल बिफोर लॉ, इसे बोलते हैं रूल ऑफ इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी का रूल, और दूसरा इक्वालिटी इन रियल सेंस। रियल सेंस में इक्वालिटी क्या होती है कि आपने सबके लॉ सेम बना तो दिया, वो रूल ऑफ लॉ हो गया, लेकिन दूसरे में क्या है आपका कायदे से, जस्टिस इक्विटी गुड कॉन्साइंस, कायदे जस्टिस उनको मिला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में। ये कौन सा एग्जाम्पल है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, इक्वालिटी बिफोर लॉ का तो नहीं है ना। बात समझ में आ रही है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल 16 का वायलेशन तो हो गया, 14 का नहीं हुआ जी, क्योंकि आर्टिकल 14 में इंक्लूड्स आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 एक एम्पल है, और 16, 15, 17, 18 जो पूरा है इक्वालिटी वाला वो स्पेसिफिक जा रहा है 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब बताओ, तो चलो क्वेश्चन करो, ये वाला मींस टेस्ट एंड क्रीमी लेयर। पहले लिखो मींस टेस्ट का क्या मतलब है, मींस टेस्ट सिग्निफाइज, लिखो मींस टेस्ट सिग्निफाइज क्या, इम्पोजिशन, इम्पोजिशन ऑफ इनकम लिमिट, ठीक है। तो बात कह रहे हैं मींस टेस्ट में कि आप इम्पोज कर रहे हैं क्या, इनकम लिमिट, ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ इनकम लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग पर्सन्स फ्रॉम, किसमें से, बैकवर्ड क्लास में से, ठीक है। क्रिमिनल लेयर भी तो यही है कि नाउ यू हैव एम्पल एक्सेस टू द मींस, है ना, आपके घर से एक आईएएस बन गया है रिजर्वेशन का फायदा उठाकर, या जॉब लग चुकी है उसकी, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, किसका फायदा उठाकर, फायदा मतलब किसकी, रिजर्वेशन की वजह से, अब पूरा घर जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स हैव एम्पल एक्सेस ऑफ द मींस रिसोर्सेस, आपका पढ़ाई का भी संसाधन पूरे हैं, सब संसाधन, आपको संसाधन कमी थी इसीलिए आपके लिए बनाया गया था रिजर्वेशन। बात समझ में आ गई, वो यही कह रहा है हूज इनकम इज अबव, एक्सक्लूडिंग पर्संस हूज इनकम इज अबव द सेड लिमिट। हाँ, इसी में लिखना है, मींस टेस्ट की बात कर रहे हैं, मींस टेस्ट क्या है, मींस टेस्ट से बाहर हो गया अगर तो क्रिमिनल लेयर में आ गया, और फिर रिजर्वेशन से बाहर हो गए, ठीक है। फिर से सुनो, मींस टेस्ट सिग्निफाइज इम्पोजिशन ऑफ इनकम लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग पर्संस हूज इनकम इज अबव द सेड लिमिट, ठीक है, अबव द सेड लिमिट which is often referred as an argument of creamy layer इंदिरा साहनी केस, कितने जज बेंच थी बोलो, ये तुम्हारी 9 जजेस बेंच, ठीक है, जिसमें से 8 जजेस वर एग्रीड ऑन दिस एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर। वहां समझ में आई, 8 वर एग्रीड, लिखो 8 आउट ऑफ 9 जजेस वर एग्रीड टू एक्सक्लूड, 8 आउट ऑफ 9 जजेस वर एग्रीड टू एक्सक्लूड रिजर्वेशन फॉर फॉर
ओबीसीज फॉलिंग अंडर क्रीमी लेयर, ठीक है, एंड पॉस्टुलेट्स थ्री प्रिंसिपल्स, ठीक है, तीन प्रिंसिपल दिए। अब वो प्रिंसिपल वन बाय वन देखो, पहला फर्स्ट लिखो, फर्स्ट, ठीक है, इट मस्ट बी अ क्लास, ठीक है, बैकवर्ड क्लास लिखा ना उन्होंने। अब क्लास का क्या मतलब है हम देख चुके हैं, क्या कौन सी क्लास मानेंगे, कौन सी क्लास नहीं मानेंगे, क्या ग्राउंड पे क्लास को मानेंगे, किस नहीं मानेंगे, तो क्लास होना चाहिए, क्लास नहीं होना चाहिए, सोली ग्राउंड भी नहीं हो सकता, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, और जी क्लास, ठीक है, एंड क्लास मस्ट बी, इस पे खराब हो गया मामला, क्लास मस्ट बी, वर्ड लिखो, होमोजीनस, क्लास हो गई, प्लस ये क्लास होनी चाहिए होमोजीनस, H O M O G E N O E O U S, होमोजीनस मतलब, होमोजीनस मतलब साइंस वाले, होमोजीनस हेटरोजीनस ना, नहीं नहीं, होमोजीनस का मतलब होता है कि एक साथ, है ना, मतलब पूरी क्लास के लिए एक बारी में अलग अलग, मुझे मतलब एक बारी में एक, पॉज करने इसको, दोबारा बनाते हैं एक बारी, इसको पॉज करो।